हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज एलजेब्रा का पार्ट 6 है। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने मेरी पहले की 5 क्लासेस देख ली होगी। देखिए, मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया है। मैं आपको ब्रीफ में अभी यहाँ पर क्विक रिविजन भी करा दूंगा। उसके बाद मैं एक नई आइडेंटिटी लेकर आया हूँ, आज उसको अपन कवर करेंगे और उस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर अपन कल करेंगे कुछ और दूसरी आइडेंटिटीज़, है ना। कुछ आइडेंटिटीज़ कह दो या फार्मूलाज़ कह दो, जिन फार्मूलाज के बिना अपन एलजेब्रा को नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे बढ़िया एलजेब्रा पूरी कंप्लीट होगी, आराम से होगी, बड़ा टॉपिक है, आराम से चलेगा, ठीक है। तो देखिए, पहले एक छोटा सा रिवीजन बनता है। देखिए, रिवीजन में मैं अभी बस इतना सा बताऊंगा आपको कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर एक होगा तो हर कंडीशन में एक्स बराबर, सॉरी, यहाँ पर अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दो होगा तो हर कंडीशन में एक्स की मैन एक्स का जो वैल्यू होगी, मतलब x की वैल्यू एक होगी, हर कंडीशन में x होगी। कुछ भी पूछ ले फिर x की जगह एक रखना है, ठीक है। लेकिन अगर x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू होगा तो हर कंडीशन में x की वैल्यू माइनस एक होगी, ठीक है। ये दोनों क्लियर है, एक तो ये चीज और एक ये चीज। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर एक के बराबर होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स की घात तीन बराबर माइनस का एक होगा, ठीक है। बताया था ना मैंने आपको, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एक होगा तो x की घात तीन बराबर माइनस एक होगा। और इससे एक कंक्लूजन और निकला था कि x की घात तीन प्लस x की घात जीरो बराबर जीरो, यानी कि अगर समान वेरिएबल हो और तीन तीन का अंतर हो घातों में तो वो जीरो हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और निकाली थी कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर माइनस एक हो तो यहां पर क्या होता है कि x की घात तीन जो होता है ना वो एक के बराबर होता है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर प्लस एक होगा तो यहां पर माइनस एक होगा एक्स की घात तीन, और यहां पर अगर माइनस एक है तो एक्स की घात तीन बराबर एक होगा, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। ये लास्ट में मैंने जो भी पढ़ाया था कुछ दिनों पहले उसका मैंने रिवीजन करा दिया, लास्ट और सेकंड लास्ट जो अपनी क्लास थी उसको मैंने बता दिया है, उससे पहले का तो आपको पता ही था, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद अब मैं एक नई आइडेंटिटी लेके आया हूं जिसमें एक्स की घात छह पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और वो कैसे होंगे, देखिए इसका स्क्रीनशॉट अगर जिसको भी लेना है ले लीजिए, अच्छी चीज है। उसके बाद अब देखते हैं अपन। देखिए, मैंने अभी बताया कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो हो, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस दो हो, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एक हो और x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस एक हो। लेकिन अब एक नया केस आ रहा है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट तीन हो, ठीक है। ये अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं। देखिए, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर क्या है, अंडर रूट तीन है, तो मैं आपसे कहूं कि x की घात तीन प्लस वन अपॉन एक्स की घात तीन क्या होगा, तो आप कहेंगे सीधी सी बात है पी क्यूब माइनस थ्री पी कर दूंगा। हाँ ठीक है, तो पी अंडर रूट तीन है, माइनस तीन माइनस तीन, पी क्या है यहां पर, वही अंडर रूट तीन। यहां पर ए बी भी होता है लेकिन सेम है इसलिए लिखेंगे नहीं, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो गया, तीन अंडर रूट तीन माइनस तीन अंडर रूट तीन इज इक्वल टू जीरो। अब आपको ये समझ में आ गया कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर अंडर रूट तीन होगा तो हर कंडीशन में जो इसका क्यूब वाला फॉर्म होगा वो जीरो होगा, ठीक है। निकल कर आ गया जीरो, यहां पर अपन ने सिद्ध कर दिया इसको कि यहां पर ये जीरो होगा। तो इससे एक और चीज निकल के आ रही है, और वो क्या निकल के आ रही है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, एक्स की घात सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इससे निकल के आ रहा है एक्स की घात छह प्लस, मैं यहां पर एक्स की घात जीरो लिख सकता हूं, एक की जगह बराबर जीरो। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, अगर अपन को क्वेश्चन में इस तरह से दे दे कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट तीन, तो क्या होगा कि x की घात छह प्लस x की घात जीरो बराबर जीरो होगा, या मैं कहूं कि x की घात छह बराबर माइनस एक होगा, ठीक है। अब कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए कोई बड़ा सा क्वेश्चन बन जाए और उसमें घातों में अपन देखेंगे कि छह का अंतर आ रहा है तो वो दोनों भिड़कर जीरो हो जाएंगी, ठीक है, और x की घात छह की जगह अपन माइनस एक रख देंगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड में क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन करा दे, समझ में आ गया ना कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर अंडर रूट तीन होगा तो इसकी क्यूब वाली फॉर्म जीरो होगी, क्यों होगी, ऐसे होगी, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक कंक्लूजन और निकाला कि x की घात छह प्लस एक बराबर जीरो, तो x की घात छह बराबर माइनस एक, और यहां पर अगर घातों में छह का अंतर है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्लियर होगा। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ देखिए अभी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 48 प्लस x की पावर 42 प्लस x की पावर 36
प्लस एक्स की पावर 30 प्लस एक्स की पावर 24 प्लस एक्स की पावर कितना है 18 है ना, ठीक है, और प्लस एक्स की पावर 6 और प्लस 2। तो क्या आप पता कर सकते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर मैंने वो नहीं बताया होता तो आप कह सकते थे कि ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन अब तो हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 3 दे रखा है, तो यहां से अपन को ये सीधा पता है कि x की घात 6 बराबर माइनस 1 होता है। कैसे होता है? मैंने अभी बताया है। और एक चीज और मैंने बताई थी कि x की घात 6 प्लस x की घात 0 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यानी 6 की घात अगर आ रही है, 6 का अंतर आ रहा है, घातों में 6 का अंतर आ रहा है, तो वो 0 हो जाएगा। तो देखिए, 48 और 42 ये 0 हो गए, 36 और 30 ये 0 हो गए, 24 और 18 ये 0 हो गए। अब x की घात 6 प्लस 2 बचा है, x की घात 6 का मतलब माइनस 1 है, प्लस 2 चल ही रहा है, तो आंसर में 1 आ जाएगा। क्या समझ में आया आपको? समझ में आया? और देखो, कुछ नहीं है, x प्लस 1 अपॉन x बराबर अंडर रूट 3 आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि x की घात 6 वाली बात चल रही है और वो माइनस 1 होता है, ठीक है। और घातों में 6 का अंतर है तो वो 0 हो जाता है, जैसे अपन x की घात 3 में करते थे। वो 3 वाला कब करते थे? जब x प्लस 1 अपॉन x क्या आ जाता था? 1 आ जाता था, ठीक है। फिर अपन क्या करते थे कि x की घात 3 बराबर माइनस 1 होता है और x की घात 3 प्लस x की घात 0 बराबर 0 होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, तो ये तो पहले बता चुका हूं और ये मैंने अब बताया, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, एलजेब्रा की जान है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, बैठे रह जाते हैं अपन वहां पे कि किस प्रकार से होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, अच्छे अच्छे जो एग्जाम में आए हुए हैं, फिर आपको कॉन्फिडेंस होगा कि अपन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो देखते जाइए धीरे धीरे, कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिए। ये क्वेश्चन कीजिए कि एक सेकेंड क्वेश्चन, हाँ ये रहा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 3, देन फाइंड एक्स की घात 18 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 24 क्या होगा। देखिए कर लेंगे आप, कैसे होगा? देखिए, मैंने यहां पे लिखा x प्लस वन अपॉन एक्स अगर रूट 3 है तो x की घात 6 बराबर माइनस 1 होगा, डायरेक्ट दिमाग में आ गया, आ गया। तो देखो, x की घात 18 है, x की घात 18 को मैं x की घात 6 में बदलूंगा। कैसे बदलूंगा? x की घात 6 में बदल दिया तो मैं इसके ऊपर 3 लगा दूंगा, 6 18 हो गया, ठीक है। प्लस 1 अपॉन x की पावर 24 है तो 6 की पावर में बदलूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 6 4 24, ठीक है। तो अब ये क्या है, x की घात 6 की जगह मैं माइनस 1 रख सकता हूँ, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 की पावर 4। तो माइनस 1 की पावर अगर ओड है तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ये माइनस 1 की पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो आंसर ये 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? देखिए और क्लियर होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास आज के लिए, फिर अपन कल करेंगे और बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज, है ना, जिसको अपन फॉर्मूला भी कह देते हैं अलजेब्रा का। देखिए अब क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 3, देन फाइंड x की पावर 21 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 27 प्लस x की पावर 30 और प्लस x की पावर क्या है 33। इसकी अपन को वैल्यू बतानी है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें x प्लस वन अपॉन एक्स रूट 3 नहीं दे रखा है, इसमें माइनस 1 दे रखा है। अब कीजिए आप कैसे करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो अब ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने अभी अंडर रूट 3 वाला बताया था, ये है पिछला वाला। तो इसमें x प्लस वन अपॉन एक्स अगर माइनस 1 दे रखा है तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि x की घात 3 बराबर 1 होता है, ठीक है। अब इसमें वो मत लगा लेना कि घात 3 का अंतर है 0 हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर माइनस 1 है। अगर 1 होता ना तो घातों में 3 का अंतर था, उसको अपन 0 कर देते, लेकिन यहां पर माइनस 1 है, यहां पर क्या है, माइनस 1 है, और माइनस 1 होता है तो x की घात 3 बराबर 1 होता है, ठीक है, बताया हुआ है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये क्या है, x की घात 21 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की घात 3 के ऊपर 7 लिख सकता हूं, प्लस ये क्या है, x की पावर 3 के ऊपर मैं लगा सकता हूं 8 प्लस x की पावर 27 है तो मैं इसको लिख सकता हूं x की घात 3 के बार 7 प्लस 30 है तो 10 आ जाएगा ऊपर प्लस x की पावर 3 के ऊपर ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि x की घात 3 का मतलब तो 1 है, यानी x क्यूब बराबर 1 है, तो यहां पर 1 1 1 1 1 1 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, आंसर 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना, माइनस 1 वाला,
ये मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं था, बस मैंने आपको यहीं तक ही बता दिया था कि ऐसा होता है, कैसे होता है अब बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये हाँ, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, देन फाइंड x प्लस वन की पावर थ्री प्लस वन अपॉन एक्स की, x प्लस वन की पावर थ्री। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? ये आपसे होगा। तो देखिए अब आप सोचेंगे कि यहां से मैं ऐसे कर लेता हूं x की घात तीन बराबर एक, आया होगा दिमाग में, मेरे भी आया था कि अगर x की घात तीन बराबर एक है तो अब इसमें किस तरह से रखेंगे अपन, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। तो अपन क्या करेंगे, इसको ये ना, ये इसको अभी अपन नहीं लगाएंगे, हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है, यहां नहीं लगेगा ये, यहां कैसे नहीं लगेगा। तो आप देखिए पहले तो आपकी देखिए किसकी मांग है, x प्लस वन की, x प्लस वन अपन को कहीं से भी लाना है तो लाइए, देखिए x माइनस वन है इधर, अगर प्लस एक अगर मैं यहां पर बुलाता हूं इसको तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इसको बुला लिया तो ये x प्लस वन हो गया और ये उसको यहां भेज दिया तो माइनस वन अपॉन एक्स हो गया। क्या ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया, साइड चेंज की है मैंने और कुछ नहीं किया, इसको एक को यहां ले आया ताकि मेरे पास ये बन जाए, बन गया है अब ये, है ना। तो अब देखो x प्लस वन की जगह मैं माइनस वन अपॉन एक्स रख सकता हूं, वैल्यू पुट कर सकता हूं इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री, ठीक है, प्लस वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या रह जाएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, माइनस लेकिन एक्स क्यूब ऊपर चली जाएगी, है ना, ऊपर चला जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, माइनस का चिन्ह में अगर बाहर कॉमन ले लूं तो ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स की घात तीन प्लस वन अपॉन एक्स की घात तीन हो गया, ये ऐसे हो सकता है। तो देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस का एक है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस का एक है, तो क्यूब वाली फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, पी क्यूब माइनस थ्री पी, पी क्यूब माइनस थ्री पी, तो ये पी क्या है, माइनस एक है, तो पी क्यूब माइनस थ्री पी क्या है, वही माइनस एक है, तो कितना हो जाएगा माइनस एक और प्लस तीन यानी कि दो, तो दो क्या आया, इसका मान आया लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो आंसर माइनस दो हो जाएगा। देखिए समझ पा रहे हैं, इसको मैं यहां से यूं कर देता हूं, है ना, ताकि ये आपको अलग से दिखे। पहले अपन को ये दिया हुआ था, ओनली ये दिया हुआ था माइनस एक, तो मैंने इसको इसमें बदलने के लिए इसको साइड चेंज कर दी और माइनस वन अपॉन एक्स को मैंने यहां यहां रख दिया, x प्लस वन की जगह रख दिया, तो ये वाली फॉर्म में बदल गया। अब अगर अपन को x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, और किस तरह से हुई, ये इस तरह से हुई, माइनस का चिन्ह बाहर था तो माइनस दो हो गया, क्लियर है, क्लियर होगा। चलिए उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स की पावर तीस प्लस वन अपॉन एक्स की पावर तीस क्या होगा, कैसे करेंगे। देखिए आपको मैंने आपको कल बताया था ना कि ये आपको इस तरह से भी दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये आपको इस तरह भी दे सकता है, इस तरह ये ना दे, और अगर ये दे दे तो घबराना नहीं है, आपको इसमें सीधा x का भाग लगा के देखना है, ये वाला फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर ये चीज एक के बराबर है तो x की घात तीन बराबर माइनस एक है, होती है, अगर ये एक के बराबर होता है तो ये x की घात तीन बराबर माइनस एक होता है, तो ये इसको चेंज कर लो, चेंज कैसे करोगे, x की घात तीन के ऊपर ये दस आ जाएगा प्लस वन अपॉन ये x की घात तीन के ऊपर यहां पर भी दस आ जाएगा, तो क्या है x की घात तीन का मतलब माइनस एक है, तो माइनस एक की पावर दस प्लस वन अपॉन माइनस एक की पावर दस, तो एक और एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक की पावर इवन है तो वो एक ही रहता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा दो, क्लियर, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अपन नेक्स्ट देखेंगे। हाँ देखिए सब कुछ यही दिया हुआ है, अब अपन का क्वेश्चन अपन चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया है कि x की पावर 21 प्लस एक्स की पावर 24 प्लस एक्स की पावर 27
प्लस एक्स की पावर 30 प्लस एक्स की पावर 33। ये क्वेश्चन शायद कर लिया क्या अपन ने? हाँ शायद कर लिया। इसमें अपन ने वही करना था अपन को कि एक्स की घात 3 के ऊपर 7 लगा देंगे, इसमें एक्स की घात 3 के ऊपर 8 लगा देंगे, और इसमें एक्स की पावर 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे, प्लस एक्स की पावर 3 के ऊपर 10 लगा देंगे, और एक्स की पावर 3 के ऊपर 11 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 इसमें क्या आंसर आ जाएगा? लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि इस बार माइनस एक नहीं है, एक है, तो एक्स क्यूब बराबर माइनस एक है। क्वेश्चन दूसरा है ये, ऐसा किया है लेकिन माइनस एक वाला किया है, इस बार प्लस एक है, तो एक्स का 3 बराबर माइनस एक है, तो माइनस एक की पावर 7 प्लस माइनस एक की पावर 8 प्लस माइनस एक की पावर 9 प्लस माइनस एक की पावर 10 प्लस माइनस एक की पावर 11। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी क्या है, माइनस एक की पावर ओड है तो यहाँ पर माइनस वन आएगा, माइनस एक की पावर इवन है तो यहाँ पर एक आ जाएगा, वहां पर ओड है तो माइनस वन आएगा, ठीक है, चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ओड है इवन है तो प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है 11 है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, माइनस एक से एक कट गया, माइनस एक से एक कट गया, बचा क्या आंसर में माइनस का एक, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? कैसे किया, एक्स की घात 3 की जगह मैंने माइनस वन रखा, इसके अंदर रख दिया, ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अपन लास्ट एक क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू एफ ऑफ एक्स की घात 26 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 26। क्या है, एक्स की घात 26 है प्लस वन अपॉन एक्स की घात 26 है। क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, अंडर रूट 3 दे रखा है, तो एक्स की घात 26 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 26 क्या होगा? तो देखो क्या होगा, इसको देख के आपको एक फील आई कि एक्स की घात 6 बराबर माइनस का एक होता है, होता है, कैसे होता है मैंने प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर एक्स की घात 26 दे रखा है, तो मैं एक्स की घात 6 में बदलना चाहता हूं, इसको बदलना चाहता हूं, तो एक्स की घात 6 में अगर मैं बदलूंगा तो किसके करीब ले आऊं, 26 के करीब लाना है, तो 6 चौका 24, 6 4 24। अब ये एक्स की घात 24 बन गया, बचा क्या एक्स की घात 2, ताकि देखो ये 24 हो गया ना, 6 चौका 24 और 2 26, सब वही है, सेम है, तो नीचे भी वही कर देंगे अपन, एक्स की घात 6 के ऊपर 4 लगा देंगे और स्क्वायर को अलग रख लेंगे, ठीक है। अब एक्स की घात 6 का मान माइनस एक है, यहां पर माइनस एक रखेंगे, यहां पर माइनस एक रखेंगे, तो माइनस एक की पावर क्या है, इवन है तो वो एक ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने को क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यही निकालना पड़ेगा ना, 24 और 2 26 होते हैं, तो अपन को इसको निकालना है। अब देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स रूट 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2, बस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान था। देखिए मजा आएगा आपको, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा एलजेब्रा की प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस मैं भी करा रहा हूँ आपको, तरह तरह के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो अपना हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ, तो चलो आज का अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है। वैसे मुझे करवाना तो और आगे भी था, 2-3 आइडेंटिटीज और करवानी थी, लेकिन नहीं, क्योंकि उससे है ना, वो जो उनका है, उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है, है ना, तो यहां तक आप पहले रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद वो जो नई आइडेंटिटीज है उसको दोबारा से अलग से कर लेंगे अपन, है ना। तब इस सेशन को अपन यहीं तक रखते हैं। तो देखिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।